वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मेमोरीज रीडिंग के अंदर। तो जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए फटाफट से, फिर क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, फिर शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को। बिल्कुल वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। जल्दी इस फटाफट से सभी लोग आ जाइए, शुरुआत करेंगे आज की अपनी क्लास को दमदार तरीके से। बिल्कुल जल्दी से फटाफट से सभी लोग आ जाइए भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। जल्दी से भाई फटाफट से, नमस्ते भाई नमस्ते, पढ़ाओ मैम। अच्छा तो जल्दी से आप, हाँ आज 2 मिनट लेट हो गए भाई, माफी चाहूंगी, वो सेट करने में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है तो जल्दी सभी लोग आ जाइए फटाफट से, फिर शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को बहुत ही दमदार धमाकेदार और खतरनाक तरीके से। शुरू करें क्या, आप सभी रेडी हैं? सभी लोग उठ चुके हैं, नींदें खुल चुकी हैं, चाय पी चुके हैं सभी लोग या नहीं पी पाए बताओ भाई जल्दी से। आंखें आप सबकी खुल गई या नहीं खुली? नाश्ता कर लिया मैम, वाह ये होते होशियार बच्चे। तो शुरुआत करते हैं, एक सेकेंड, तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, पहला सवाल मैम झकास। अच्छा रेडी है सभी लोग? नहीं क्यों भाई क्या हुआ? बिल्कुल पढ़ सकते हो भाई, ये बताइए यूपी पुलिस में क्या रीजनिंग नहीं आती ये बताइए भले। अगर यूपी पुलिस में रीजनिंग नहीं आती तो मत पढ़िए, अगर आपको लगता है कि रीजनिंग आती है तो जरूर पढ़ लीजिए। बस इतना ध्यान दीजिए कि कौन से एग्जाम में रीजनिंग आती है, कौन से एग्जाम में रीजनिंग नहीं आती, क्या आती है उस पर ध्यान मत दीजिए। तो अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग आती है उसको पढ़ लीजिए बिल्कुल। क्वेश्चन देखिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं हमें। हमारे पास सवाल लिखा हुआ है मेडिसिन और पेशेंट, पेशेंट को क्या दिया जाता है? दवाई। पेशेंट को क्या दिया जाता है? दवाई। तो पूछा है एजुकेशन किसको दी जाती होगी, एजुकेशन जो है शिक्षा किसको दी जाती है बताइए, टीचर को दे दे क्या? आपको क्या लगता है टीचर को शिक्षा दे दें क्या? नहीं, शिक्षा जो है स्टूडेंट्स के लिए बनी है, जो सीखता है उसके लिए शिक्षा है, तो वो स्टूडेंट के लिए बनी हुई है। किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब है, स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सोच समझ के जवाब दीजिए, आराम से तसल्ली से भाई जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बताओ मेरे शेरो इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, देखो सुबह का समय है, सभी का दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तो बिल्कुल सारा दिमाग इसी में लगा दो, सारा दिमाग जितना भी है। सुबह सुबह पता है अगर आप फोन चलाओगे उससे बेटर है कि आपको यहाँ पे आगे पढ़ाई कर लिया करो, उससे बेटर रहता है आपका फोन चलाने से बेटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बताइए सवाल है लैंप, LAMP, क्या लिखा हुआ है इसमें? IXJM, फिर लिखा है फिश, FISH, इसका क्या लिखा है बता दीजिए। अगर लैंप को हमने ये लिखा है तो फिश को हम क्या लिखेंगे ये आपको बताना है, सोच समझ के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। देखो ये क्या है, 12 है, ये 1 है, ये 13 है, ये 16 है, ये 9 है, ये 24 है, ये 10 है, ये 13 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 19 है और ये 8 है। अब ऑब्जर्व करते हैं, 12 से 9 गए माइनस का 3 हुआ, 1 से 24 गए माइनस का 3 हुआ, 13 से 10 गए माइनस का 3 हुआ, और 16 से 13 गए माइनस का 3 हुआ,
मतलब यहां से यहां जाने के लिए हर जगह माइनस का थ्री होगा, तो सेम माइनस का थ्री यहां कर दीजिए। छह में से तीन गए तीन मतलब सी, नौ में तीन गए छह, छह मतलब एफ, सोलह का मतलब पी और पांच का मतलब ई, तो सी एफ पी ई बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? सी एफ पी ई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, सी एफ पी ई बिल्कुल सही है। सभी का सही आ गया भाई, किसी का भी गलत हो तो बता दीजिएगा भाई। अभी तक दोनों सवाल किए, दोनों सबके सही होने चाहिए थे भाई, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ भाई इसका जवाब क्या होगा। अभी तक आप सबके सभी के सभी जवाब दोनों सवाल सही होने चाहिए, दो नंबर आपको मिल चुके, तीसरे नंबर की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए बताओ भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बताइए भाई। सवाल है 13, 20 और 17, बताओ इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। आराम से सोच के बताइएगा, आराम से सोचिए। देखो पहला लॉजिक हमारे पास क्या सेटिंग बैठेगी, ये नंबर ज्यादा दूर के तो है नहीं, पास पास के नंबर से तो मल्टीप्लाई करके देख, माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे गैप 7 का है, गैप कितना है 7 का गैप है, तो यहाँ भी प्लस का 7 करके देखो, जवाब हो जाएगा 24। जवाब हो गया 24। अब आप चेक कीजिए क्या 24 क्वेश्चन में अवेलेबल है। ऑप्शन दिया हुआ है 24, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, गड़बड़े नहीं दिया हुआ ऑप्शन, तो लॉजिक ये नहीं लग सकता। ये लॉजिक सही था पर लगा नहीं, ये ऑप्शन में नहीं था। अगला देखते हैं क्या है, क्या देखो ये कैसे और आएगा, 13 2 26 माइनस का 6 कर दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 क्या माइनस का 6 कर दिया होगा, यहाँ देखिए क्या होगा, इनटू का 2 क्या 34 किया और माइनस का 6 कर दिया, कितना हुआ 17 2 34 माइनस का 6 कर दिया, जवाब 28 आ जाएगा। अब आप एक बार ये देखिए ऑप्शन में 28 अवेलेबल है या नहीं, 28 बिल्कुल अवेलेबल है, तो हमारा लॉजिक ये वाला लॉजिक सही है, ये लॉजिक गलत है। समझ में आ गया ना, एक सवाल में एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं, देखना ये है आपको कि ऑप्शन में कौन से लॉजिक के अकॉर्डिंग आपका जवाब दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, तो 28 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए फटाफट से, अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। चांदनी सिंह जी बोल रही थोड़ा कम बन पाता है, अपने बाकी दोस्तों से पूछो जो डेली यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे पहले से ज्यादा बनते होंगे, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो अलग अलग चीजें देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, फिर अपने आप हमारा लॉजिकल जो पोर्शन है वो स्ट्रांग होने लगता है धीरे धीरे, तो आपको वही करना है, समझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। लिखा हुआ है राइवल मतलब प्रतिद्वंदी, ओपोनेंट मतलब विरोधी, को मतलब शत्रु और एले मतलब दोस्त। आप सबने देखा है सब में क्या है भाई, दुश्मनी वाला शब्द इन्वॉल्व है सब में, विरोधी दुश्मनी दुश्मन, तो हमारा शब्द क्या होगा दोस्त, एले हो सकता है या नहीं हो सकता, बताइए जवाब क्या होगा, एले हो सकता है या नहीं हो सकता, सोच समझ के बताइए, हो सकता है ना, क्योंकि बाकी सब है दुश्मन दुश्मनी और दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त इन सब में से सबसे अलग जवाब है, तो आंसर डी होगा, डी पॉजिटिव सब नेगेटिव बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, अगला सवाल देखिए। दी मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं जाता यार,
नोटिफिकेशन की बात तो कोई मुझसे बोलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने साफ साफ बोल रखा है, कल भी मैंने साफ साफ समझाया सुबह 7 बजे आपको आना है। और क्यों आना है मैंने बताया था आपको कि सुबह मॉक टेस्ट होगा, ये मैंने साफ साफ अक्षरों बता चुकी हूँ, तो बताओ लेट क्यों हुए? सवाल देखिए, बताइए भाई जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, जितने भी साथी हैं फटाफट से आ जाइए, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दबा के शेयर कीजिए भाई जितना ज्यादा हो सके, एटलीस्ट आपको 400 से ऊपर लेके जाना है भाई, दबा के शेयर कीजिए, कम से कम 400 से ऊपर लेके जाना है आप सभी को। क्वेश्चन है पी ओ सी जी ए एल आई जेड बी यू डी एक्स एफ क्यू एम वी, बताओ इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। देखो 16, 15, 3 और 7, 11, 12, 9, 26, 2, 21 आपका 4 और 24, 6, 17, 13 और 22, बताओ लॉजिक क्या सेट होगा। ध्यान दिए सभी लोग भाई फटाफट से, इस सवाल में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, मीनिंग पता नहीं क्या करना है मैम। बच्चे इसमें क्या करना है, आपको देखना है इन सब में सबसे अलग क्या है और वो चीज़ अलग कैसे हो सकती है। जैसे कि हम लोग हैं, मान लो 5 लड़कियां खड़ी हैं, अगर आपसे पूछेगी इन 5 लड़कियों में क्या क्या डिफरेंट, आप बोलोगे इनकी आंखें अलग अलग है, इनके बालों का स्टाइल अलग अलग है, इनका ये अलग है, फिर 5 ड्रेस दे रखी हो तो आप क्या बोलोगे, इसमें बटन ऐसा लगा हुआ है, इसमें डिजाइनिंग ऐसी है, इसमें कलर ऐसा है, तो डिफरेंशिएट करना है आपको। सेम इसमें पहला जो आपको फॉलो करना है वो करना है कि भाई कुछ प्लस या माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले आप ये देखा करें। आप देखोगे कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, या 15-16 है या 11-12 है या 2-21 है या 6-17 है, कहीं भी प्रॉपर लॉजिक फॉलो नहीं हुआ है, तो कहानी यही डगमगा गई। या अगर प्रॉपर लॉजिक फॉलो नहीं हुआ है तो हम डिफरेंस कौन सा अलग है नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक वॉवल है ओ, ये करने के बाद दूसरा जो पैटर्न फॉलो करोगे वो है वॉवल वाला, ठीक है। यहाँ पे आपका एक वॉवल है, यहाँ आपके एक वॉवल है, यहाँ आपका एक वॉवल है, यहाँ आपका एक भी वॉवल नहीं है, यहाँ आपका क्या है नो वॉवल, यहाँ क्या है आपका एक भी वॉवल नहीं है, तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आई बात समझ में? बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है कि उसमें एक भी वॉवल नहीं है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए इसका जवाब क्या होगा। जितने भी साथी हैं फटाफट से देखिए बताइए इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बताओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नो वॉवल बिल्कुल सही जवाब था। अगला सवाल देखिए बताइए इसका जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ये रहा 36, 48, 56, 44, 78, 66, 33, 64, बताओ सवाल आपके सामने है। बताओ इसका जवाब क्या होगा। अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया 33, 64, मतलब सत्यम सत्यम बहन ने भाई और मैक्सिमम बच्चों ने ये जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए भी बोल रहे हैं, मतलब जो भी आप जवाब दे रहे हैं मैंने पूछना ये चाह रही हूँ क्यों दे रहे हो आप, लॉजिक बताइए सभी लोग, लॉजिक के साथ बताइए कि आपने जो जवाब दिया वो क्यों दिया, आपने जो भी जवाब दिया वो क्यों दिया, आपसे मैं ये पूछना हूं बताइए। बताओ भाई देखो यहाँ गैप कितना है 2-1, गैप 12 का है, यहाँ गैप कितना है 2-1, गैप 12 का है, यहाँ गैप कितना है 12 का गैप है, यहाँ गैप कितना है 1
और 631 का गैप। ध्यान दीजिए, यहाँ गैप 12 का है, यहाँ गैप 12 का है, पर यहाँ गैप जो है 31 का गैप। कितने गैप है? 31 का गैप है। तो सीधी सी बात है, ये लॉजिक आपको सही बैठे। ध्यान दीजिए, जब भी इस टाइप का सवाल आता है, पहला आप क्या देखते हैं? डिफरेंस को देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं? मल्टीप्लाई को देखते हैं। किसको? मल्टीप्लाई को देखेंगे। ये आपका बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बताइए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इतने भी साथी हैं, जल्दी से शेयर करते जाइए भाई। अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया, तुरंत शेयर कीजिए दोस्तों के अंदर, और कम से कम इसको 400 से ऊपर लेके जाना है आप लोगों को। जल्दी से शेयर कीजिए भाई, मजा नहीं आ रहा है क्लास में। देखो, अगर मजा नहीं आ रहा तो मत करो शेयर भाई, कोई दिक्कत वाली बात। अगर आपको मजा आ रहा है और समझ में भी आ रहा है तो जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। प्रियंका जी बोले, दोबारा बताइए बच्चे, चेक कीजिए इन सब में। आप चेक करोगे यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 12 का डिफरेंस है, पर यहाँ पे एक डिफरेंस कितने का है? 31 का डिफरेंस है। सबसे अलग क्या है? ये वाला अलग है, तो वही आपका जवाब हो गया, और कुछ सवाल में था नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल लिखती हूँ मैं आपके सामने, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देती हूँ, एक सेकेंड। सवाल है एम्बिगुअस, एम्बिशंस, एम्बिगुअस, एम्बिग्विटी, एनिमेशन, एनिमल, बताइए। आपको इनको अरेंज करना है अपने किसी ऑर्डर के अंदर। जरा अरेंज करते हैं हम लोग, देखिए। सबसे पहले ए हो गया, उसके बाद एम हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ हम बी पे कट क्यों नहीं लगाएंगे? देखो, यहाँ तीन जगह बी है, दो जगह आई है। बी और आई में छोटा कौन है? बी छोटे हैं, मतलब पहले ये तीन आएंगे, उसके बाद ये वाले दो आएंगे। इन तीनों में भी पहले कौन आएगा? इसके बाद आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, उसके बाद यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ जी है। तो अलग क्या है? टी जी जी, छोटे टी से ये वाले हैं। इनमें भी चेक करेंगे, उसके बाद यू है, फिर ओ और आई है। इसमें छोटा कौन है? आई छोटा है। तो पहले ये, दूसरा ये और तीसरा ये हो गया। अब इनमें देखिए, यहाँ पे आई, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए हो गया। टी और एल, छोटा क्या? एल छोटा है। यहाँ पे फोर ये और फाइव ये, अरेंज कर लीजिए। थर्ड नंबर वाला, टू वाला, फर्स्ट वाला, फाइव वाला और फोर वाला। 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4 एग्जैक्टली आंसर, सब सही है। 3 2 3 2 1 5 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आप सी एंड डी, सी और डी है बेटा, एक ही जवाब होता है बेटा इसके, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4 आपका सही जवाब है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हो? ऑप्शन नंबर सी सही है। मैम इसका शॉर्ट ट्रिक है क्या बच्चे? इसमें शॉर्ट ट्रिक की बात क्या है? ये तो सिंपल सा सवाल है, इसमें तो कुछ लॉजिक फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर सवाल में शॉर्ट ट्रिक मत ढूंढिए, क्योंकि हर सवाल की शॉर्ट ट्रिक पढ़ोगे तो बहुत कम आपको याद ये एग्जाम तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा आपके पास। मैम एक बार और बताइए ना प्लीज। अच्छा, लगता है मुझे आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करने नहीं आता, ये आपको शायद टॉपिक नहीं आता। एक काम कीजिएगा आप, इस शाम को 8 बजे आइएगा। शाम को 8 बजे मैं आपको टॉपिक वाइज रीजनिंग कराती हूँ, टॉपिक वाइज करवाती हूँ रीजनिंग में। वहाँ मैं आपको जब ये टॉपिक कराऊंगी तब मैं सिखाऊंगी कि डिक्शनरी ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करें। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बताइए फटाफट से भाई, शेयर करते हो सभी लोग, जितने भी साथी हैं पहली बार जुड़े हैं जरूर शेयर का बटन दबाते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल क्या लिखा हुआ है, सी ए टी डी बी टी ई सी टी, बताओ आगे क्या होगा, आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए फटाफट से। क्या बात है भाई, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो अभी तक, अभी तक 300 क्रॉस नहीं हो पाए भाई, हमें तो 400 तक जाना है, बहुत ही लंबा सफर है, जरा दबा के शेयर कर दीजिए भाई, 100 लोगों को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, कम से कम 400 तो क्रॉस होना चाहिए यार, इतना बेहतरीन इतने खतरनाक कंसेप्ट आप लोग पढ़ रहे हो बिल्कुल, तब दबा के शेयर कीजिए सभी लोग। अब ध्यान दीजिए, सी डी ई, सी डी ई या एफ तो आ गई, ए बी सी या टी तो आ गई, तो शुरुआत होगी एफ डी, लास्ट में सब जगह टी है, यहाँ पे टी आ जाएगा, तो आंसर है एफ डी टी, क्या जवाब है, एफ डी टी, बिल्कुल सही जवाब है एफ डी टी, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आराम से जवाब दीजिए, जल्दी वाला जवाब मत दीजिए, जवाब चाहे थोड़ा लेट आ जाए पर जवाब सही आना चाहिए, इस पे ध्यान दीजिए, गलती ना गए सही जवाब आए, आपको ध्यान इस चीज पे देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बताइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ही रहा, बताइए फटाफट से, सवाल क्या लिखा हुआ हम देखते हैं, एक सेकेंड अभी, अच्छा आ गया है, हाँ सवाल आ चुका है, 5, 11, 24, 51, 106 और डैश, बताओ इसका जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुभ प्रभात, लगता है बहुत देर में आए हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैम, बच्चे पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम का जो चैनल है पीएल मैम रीजनिंग, वहां पे जुड़ जाइए, ठीक है, आज ही उसको ज्वाइन कर लीजिए तो आपको वहीं पे सारी पीडीएफ में अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 5, 11, 24, 51 और 106, बताओ आपको साफ साफ दिख रहा होगा, देखो देखने का तरीका समझ में आ चुका होगा आपको, देखिए अगर आप देखोगे तो बड़े नंबर जाते हैं, यहां से यहां जाइए, 51 का दो गुना कीजिए 102 आएगा, 102 में 4 को ऐड करना पड़ा है, यहाँ जाइए इनटू का 2 किया प्लस का 2 करना पड़ा, यहाँ जाइए इनटू का 2 करा प्लस का 3 करना पड़ा, यहाँ जाइए इनटू का 2 किया प्लस का 1 किया, तो यहाँ भी क्या होगा, इनटू का जो 2 होगा और प्लस का 5 हो जाएगा, तो कितना होगा 12, 1 और 2 और प्लस का 5, तो 217, बिल्कुल सही जवाब है, कितना हो जाएगा 217, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कैसे समझे, समझ में आया ना, पता है नंबर सीरीज जितने भी जो सवाल नंबर्स के होते हैं उसमें देखो अगर लॉजिक समझ में आ जाए तो हर कोई निकाल पाता है, मेन बात होती है लॉजिक को समझना, लॉजिक को ध्यान दीजिए कि मैं कहाँ से शुरुआत करती हूँ और कैसे उस सवाल को पकड़ती हूँ, कैसे पकड़ा मैंने, यहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा मैंने, इसको मल्टीप्लाई किया, देखा ये कितने के आसपास है, देखा भाई मल्टीप्लाई 2 करने का प्लस का 4 हो रहा है, फिर मैंने क्या देखा कि ये सब नंबर किसके आसपास है, तो सारे नंबर 2 के नजदीक थे, मल्टीप्लाई बाय 2 करने के नजदीक थे, फिर मैंने वो लॉजिक अप्लाई कर, तो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए इसका जवाब क्या होगा, आगे वीडियो नहीं आया, आने वाला है बच्चे, इस क्लास के बाद आपको टारगेट का वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेटा 400 की बात हुई है, चीटिंग नहीं करनी है, 400 की बात हुई है अपनी यार, ऐसे बात नहीं करा जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बताओ भाई इसका जवाब क्या होगा, जितने भी साथी हैं जल्दी जल्दी शेयर करते जाएं भाई, 400 का टारगेट हमें अचीव करना है भाई, सवाल देखो बताओ इसका जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है,
बताइए। पुत्र बोल रहे हैं बच्चे, देखते हैं पढ़े। मंच पर एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए रीता ने कहा। रीता बोल रही है, एक मंच पे, एक स्टेज पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी ओर इशारा करते हुए बोल रही है। अब क्या बोल रही है वो सुनिए। मेरे वह, क्या बोला? वह मेरे पति, मतलब रीता का कोई पति है तो ये उसकी पत्नी हो गई। मेरे पति की पत्नी, मेरे पति की पत्नी ये खुद हो गई, की बेटी का भाई है। वो जो लड़का खड़ा है वो ये व्यक्ति है, वो लड़का ये है। तो पूछा है, रीता मंच पर उपस्थित पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? इंग्लिश और हिंदी में सवाल अलग अलग है बच्चे। इंग्लिश में क्या पूछा हुआ है कि जो व्यक्ति जो खड़ा है स्टेज पर वो क्या लगेगा, और अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में क्या पूछा हुआ है, रीता क्या लगेगी। तो जवाब ये है, ये दोनों माँ बेटे लगने वाले हैं, ये इसका बेटा लगेगा और ये इसकी माँ लगेगी। जवाब है सन, जवाब है सन, पुत्र सही जवाब है, पुत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है, सन राइट आंसर है। हिंदी के अकॉर्डिंग तो माँ होगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग बेटा होगा। ओके, इंग्लिश में क्या पूछा हुआ है कि ये लड़का क्या लगेगा, पर हिंदी में पूछा हुआ है ऋतु क्या लगेगी, तो ऋतु जो है माँ लगेगी और जो लड़का जो है वो बेटा लगेगा। तो मैंने आपको दोनों के अकॉर्डिंग जवाब बता दिया। अगला सवाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हीरा, बताइए इसका जवाब क्या होगा। आराम से बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है। अगला सवाल आपके सामने अवेलेबल है, बताइए इसका जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आराम से देख के बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, अगर सी का कोड क्या है, 3 दे रखा है और डैश का कोड पूछा हुआ है, दिया हुआ है, और डांस का कोड पूछा हुआ है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। बताओ आराम से इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बताइए भाई, अगर सी का कोड दिया हुआ है, डैश का कोड दिया हुआ है और डांस का कोड पूछा हुआ है, कैसे इसका जवाब दोगे? आराम देखिए, अब ध्यान दो, सभी को पता है कि सी का कोड क्या होता है, 3 होता है, और डैश का देखो कैसे निकालोगे। डैश का मतलब क्या होता है पहले ये देखिए, 4, 1, 19 और 8 प्लस, देखो बेटा 20 तो ये हो गए, 8 और 4 12 ही हो गए, सबको प्लस करोगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, सेम काम याद कीजिए, 4 प्लस का 1 प्लस का 14 प्लस का 3 और प्लस का 5, ये काम कर दीजिए। तो 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27 आपका सही जवाब, कितना आंसर हो जाएगा 27, क्या जवाब होगा 27 होगा। समझ में आ गया ना कैसे होगा? आपको क्या करना है, इन सबको इनका अल्फाबेट का नंबर लिखिए और सबको प्लस कर दीजिए, जवाब आपका 27 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा फटाफट से। अगला सवाल बताइए, शेयर करते जाओ भाई, अभी भी 50 लोग की कमी है, दबा के शेयर कीजिए कम से कम। मैंने क्या बोला, टारगेट आपका सेम रहता है, रेगुलरली 400 आपको क्रॉस करना है, अब जिम्मेदारी आपकी है वो कैसे करोगे आप। ठीक है, सवाल देखिए बताइए।
बताइए भाई इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल लिखा है 15 - 3 + 10 * 5 / 5। बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा। आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा भाई। लिखा हुआ है माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है और प्लस का मतलब माइनस है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो सॉल्व कीजिए, ध्यान दीजिएगा जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो बॉडमास का आप इस्तेमाल करेंगे। किसका यूज करेंगे? बॉडमास का यूज करेंगे आप लोग। तो पहले ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया, डिवाइड ये रहा, सॉरी पहले आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन, डिवाइड 5 to 10, फिर मल्टीप्लाई 15 × 3 = 45, माइनस का 2 + 5 तो 50 - 2 = 48 हो जाएगा। तो जवाब कितना हो गया? 48 हो गया। तो आंसर 48 आएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, हमेशा क्या करना है आपको, बॉडमास रूल को अप्लाई करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे आपको फॉलो करना है, तब जाके आपका काम चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भाई शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, फटाफट शेयर करें भाई, क्लियर नहीं दिख रहा भाई, साफ साफ दिख रहा है यार, ऐसा नहीं बोलना है भाई, साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, और जहां आप मेरे को लगता है कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वहां बोर्ड लिख देती हूँ। देखो ना करने के 1000 बहाने होते हैं, करने का केवल एक ही बहाना होता है कि पढ़ाई करनी है यार, और अगर पढ़ने का मन नहीं है तो 1000 बहाने कि मैम छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं लग रहा, छुप रहा है, दिख रहा है, मतलब 1000 चीजें होती है। अगर आपका पढ़ने की इच्छा होगी ना तो इन सबको हटाते हुए आपको केवल मन में ये हो या पढ़ना है तो आपको हर टाइप की चीजों में चीजें दिखेंगी और विजिबल रहेंगी भाई, इतनी सी कहानी है पढ़ने लिखने की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल में क्या लिखा हुआ है, सेवन क्रॉस फोर क्रॉस नाइन मतलब है 479, फिर 9 × 5 × 2 592। तो वो क्या लिखा हुआ है, पहले 4 है, फिर 7 है, फिर 9 है, पहले 5 फिर 9 2, पूछा गया 8 × 6 × 2 ये है। तो पहले बीच वाला आएगा 6, फिर आएगा पहले वाला 8, फिर आएगा लास्ट वाला 2, जवाब हो गया 682, जवाब हो गया 682। सिंपल क्वेश्चन था, जवाब कितना हो गया 682, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसी बात पे सब लोग शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से अगला सवाल आपके सामने अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बच्चे देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं करता कितने करते हो, डिपेंड इस पे करता है कि भाई आप 20 सवाल भी कर रहे हो तो कितने डेडिकेटेडली आप सवाल कर रहे हो, और क्या उन सवालों से आप कुछ सीख पा रहे हो, या जो सवाल आपने आज किए, जिस पैटर्न के सवाल आज किए हैं, क्या वो कल, वो भी कल सही होते या नहीं होते। सीखने पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ चीज़ों पर मत, मैंने पहले भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 7, 10, 5, 16, 48, 15 - 9 बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है बेटा, इसको इंग्लिश और हिंदी में कैसे लिखते हैं पहले बताइए, इसको इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग
कैसे लिखा जाता है जरा मुझे बताओ फटाफट से। अब ध्यान दो, ये नंबर कैसे आया होगा, सेवन में क्या किया है हमने, इसका आधा ऐड कर दिया, सेवन प्लस का एट। दस में हम नहीं, पांच में हमने इसका आधा ऐड किया, तो दस में भी हम इसका आधा ऐड कर देंगे, जवाब थर्टी आएगा। जवाब कितना आएगा, थर्टी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना है, थर्टी, बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे थोड़ा सा ऑफ करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा काम आगे से हमें जाना पड़ेगा, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करेंगे। तो अभी 8 बजे आपका विजय सर क्लास लेंगे, 8 बजे अभी आपकी विजय सर क्लास लेने वाले करंट अफेयर्स की, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। तो जितने भी साथी नए जुड़े थे सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को, लाइक कर दीजिएगा और शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आज थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, कल हम कंटिन्यू करेंगे वापस से इस क्लास को। टेक केयर, बाय, सब्सक्राइब शेयर और लाइक का बटन दबाना कोई नहीं भूलेगा, ठीक, बाय।